सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए। हेलो दोस्तों, माय नेम इज विकास, यू आर वाचिंग निगा न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे भारत की हार के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने एक रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से हरा दिया। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में बारिश के साथ 17 ओवर में 158 रनों पर 4 विकेट, इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया को जीत के लिए 174 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन वह इसे पाने में असफल रहे। आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे और प्रणल पांडे स्ट्राइक पर थे। हालांकि दूसरे छोर पर सिद्धेश कार्तिक सिर्फ 12 गेंद पर 30 रन बनाकर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में ये उम्मीद थी कि पहली गेंद पर कृणाल पांड्या सिंगल लेकर कार्तिक को स्ट्राइक देंगे। हालांकि वह पहली गेंद पर 2 रन दौड़ गए, इससे एक बार फिर से वो स्ट्राइक पर आ गए। कृणाल ने दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं लिया और अगली गेंद पर वो आउट हो गए। इस तरह से उन्होंने 2 गेंद खराब कर दी और इसके बाद अगली गेंद पर कार्तिक आउट हो गए। अगर कार्तिक को आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक मिल जाती तो भारत शायद मैच जीत सकता था। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, भारत मैच जीत सकता था या नहीं, और इस मैच में भारतीय टीम के लिए हार का जिम्मेदार आप किस खिलाड़ी को मानते हैं, इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।